जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की रैपिड रिवीजन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। अब तक आपने जाना भी 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, शीत युद्ध समाप्त हो जाता है और अमेरिका दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरता है और स्टार्ट होती है दुनिया के अंदर एक नई विश्व व्यवस्था की कहानी। आज उसी कहानी के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा के लिहाज से एक एक दो दो नंबर के जो फैक्ट बनते हैं उनके ऊपर चर्चा है वो स्टार्ट करेंगे। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं भी अगस्त 1990 के अंदर इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था और शीत युद्ध के दौरान चुप रहने वाले यूएनओ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान की अनुमति प्रदान कर दी थी और वहीं से अपना प्रश्न स्टार्ट हो जाता है और वो है प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि इस युद्ध के दौरान स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया गया था और इस युद्ध का उद्देश्य था इराक के कब्जे से कुवैत को मुक्त कराना और इस सैन्य अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध ही है और यूएसए सहित अमेरिका सहित 34 देशों की सेना ने इसमें हिस्सा लिया था और ज्यादातर जो आर्मी के जो जवान थे वो अमेरिका के ही थे और इस युद्ध के समय सद्दाम हुसैन जो कि इराक के राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था ये 100 जंगों की एक जंग है वो साबित होगी। और ध्यान रखिए इस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उसके बाद में नए राष्ट्रपति बनते हैं बिल क्लिंटन और बिल क्लिंटन के टाइम में एक नया सैन्य अभियान चलता है और वो है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच की बात। और क्यों हुआ ये उस पर बात करते हैं। सबसे पहले 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास के ऊपर अलकायदा ने बमबारी की थी। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन, उसने केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। तो इसके विरोध में सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर हमला किया गया और यही अभियान कहलाता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। और उसके बाद में क्लिंटन के टाइम ही एक घटना और घटित होती है जिसको कहा जाता है 9/11 यानी 11 सितंबर 2001। हर किसी को याद है ये घटना जब आतंकवादियों ने 4 अमेरिकी विमानों को अपने कब्जे में ले लिया था और उन चारों विमानों को बिल्डिंग से टकराने की बात की, जिनमें से 2 जो विमान हैं वो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए गए और 1 विमान है वो पेंटागन। पेंटागन क्या है, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, वहां टकराया गया। और चौथा है वो कांग्रेस यानी वहां की जो संसद है उससे टकराना था लेकिन वो किसी खेत के अंदर गिर गया। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के ऊपर 11 सितंबर 2001 को अटैक होता है और ये अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। और इस हमले के बाद यूएसए ने मान लिया था भी आतंकवाद है वो विश्वव्यापी समस्या है, इससे पहले वो भी नहीं मान रहा था। तो ये 9/11 की घटना हुई। उसके बाद में राष्ट्रपति बदल जाते हैं और बिल क्लिंटन के बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं वो राष्ट्रपति बनते हैं और 9/11 की घटना का बदला लेने के लिए एक नया सैन्य अभियान चलाया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और इसका मुख्य निशाना था अलकायदा और अफगानिस्तान का तालिबान शासन। तो जो आतंकवादी थे अलकायदा के उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, पकड़ा गया और उनको जेल में डाल दिया गया और कईयों को तो जो क्यूबा के पास जो अमेरिका का जो नौसेना का अड्डा था ग्वांतानामो बे के नाम पर वहां पर रखा गया था क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का जो कानून है वो लागू नहीं होता। ये था ऑपरेशन एंड्रयूम फ्रीडम की बात। इसके बाद में एक नया ऑपरेशन और आता है और वो है
ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो कि 19 मार्च 2003 को हुआ। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये अमेरिका ने इराक पर हमला किया था इस सैन्य अभियान के तहत। इसके अंदर 40 से अधिक देश हैं वो शामिल हुए थे, उनकी आर्मी शामिल हुई थी। और कारण बताया था भी जो इराक है वो हथियार बना रहा है और उसको हथियार बनाने से रोकने के लिए हम ये इराकी फ्रीडम है ये अभियान चलाया। जबकि सबको ये दिखाई दे रहा था भी अमेरिका का इसके पीछे मकसद कुछ और था। दो प्रमुख मकसद थे उसके, एक तो इराक के जो तेल भंडार थे उनके ऊपर कंट्रोल करना था, और दूसरा था इराक के अंदर अमेरिका अपनी पसंद की सरकार है वो बना सके। तो इस चीज के लिए चला ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में। तो इन घटनाओं से आपको ये बात समझ में आ रही है भी किस प्रकार से दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व है वो कायम हो गया था। एक शब्द आ रहा है वर्चस्व, जिसे इंग्लिश में हेगेमनी कहा जाता है। इसका अर्थ भी आपको जान लेना चाहिए कि दुनिया में ताकत का एक ही केंद्र होता है तो उसे वर्चस्व कहा जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं भी वो हेगेमनी कौन है, अमेरिका है। किस रूप में, चाहे आप सैन्य शक्ति के रूप में बात करो, क्योंकि आर्मी के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च है वो अमेरिका करता है, चाहे ढांचागत ताकत के रूप में अगर हम बात करें तो अपनी मतलब की चीजें बनाई अमेरिका ने, बनाई और दुनिया को बेची। उसने दुनिया को इंटरनेट दिया, उसने दुनिया को बिजनेस स्कूल का फॉर्मूला दिया, एमबीए की शुरुआत 1900 के अंदर वो भी यही अमेरिका के अंदर हुई। और इसके साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी अमेरिका का वर्चस्व कायम, यानी लोगों के विचार, उनका पहनावा, उन चीजों को सबको अपने अनुसार सेट किया। तो तीनों ही दृष्टि से दुनिया के अंदर अमेरिका का वर्चस्व है वो कायम होता जा रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो अर्श पे जाता है वो फर्श पर भी आ सकता है, अर्थात इस वर्चस्व में कुछ अवरोध भी आ सकते हैं। और अवरोध है वहां का आंतरिक सिस्टम। क्या हो सकता है, किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिल सकती है, तो ये भी एक दो नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो तीन प्रकार से अवरोध हो सकते हैं। एक तो वहां की जो कार्यपालिका है वो सैन्य शक्ति के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा सकती है। दूसरा ये है, आपको पता है अमेरिकी पढ़े लिखे ओपन माइंडेड लोग हैं, तो जब कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो उसकी जो सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से सूचनाएं आती हैं तो लोग उसका फीडबैक देते हैं, और गलत लगता है तो उसका विरोध भी वो करते हैं। और तीसरा चीज है ये है भी जो नाटो के सदस्य देश हैं वो भी इस वर्चस्व को चुनौती है वो दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं अंत में, क्या अमेरिकी वर्चस्व से कोई भी देश है वो कैसे निपट सकता है। भी अमेरिका का वर्चस्व हो गया तो अब हमें क्या करना चाहिए, किसी देश को क्या करना चाहिए। तो कहा गया है इसकी सबसे बढ़िया नीति है वो है बैंड वैगन रणनीति। इसका मतलब क्या है ये जान लीजिए। इसका मतलब है भी किसी भी ताकतवर जो देश है उसके खिलाफ मत जाइए, बल्कि उसकी छत्र छाया में मिलने वाले अवसरों का लाभ उठा लेना चाहिए, तभी उससे निपटा जा सकता है। या ताकतवर देश की नजरों से आप खुद को छुपा ले, छोटे देश हो तो आसानी से छुपा लोगे, कोई बड़ा देश है तो कैसे छुपा लेगा। और जहां तक संभव हो कि उसे दूर रहें, तभी हम उस वर्चस्व से बच सकते हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में आपने भी जाना है भी भारत का सोवियत संघ के साथ थोड़ा जुड़ाव ज्यादा था, झुकाव ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने भी उदारवाद के नीति है वो अपनाई है, और धीरे धीरे भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के आर्थिक सहयोगी है वो बनते जा रहे हैं। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। उसके मेन सारे फैक्ट है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से, जो इंपॉर्टेंट लाइन निकल सकती है उसके ऊपर हमने यहां चर्चा की है। और लास्ट में अब एक प्रश्न आपके लिए है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और प्रश्न है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब हुई, अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब हुई, कमेंट करके जरूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिएगा अगली रैपिड रिवीजन क्लास के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।